कभी भी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो, अगर तुमने जनता के साथ इतनी सी भी गड़बड़ करी तो जनता जवाब देना जानती है। दोनों तरीके की एग्जाम्पल देते हैं, कांग्रेस को भी एग्जाम्पल लेंगे और भाजपा को भी एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि नपी तुली ये वीडियो रहने वाली है, ना किसी के सपोर्ट में ज़्यादा बोलेंगे ना किसी के खिलाफ ज़्यादा बोलेंगे। बैलेंस्ड वीडियो है, विद्यार्थियों के हक की वीडियो है। सबसे पहले बताता हूँ, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी भाजपा की, उसको पहले से बहुत ज़्यादा झटका लगा है और थोड़ी सी सीटों पर वो यानी कि मार खा गए हैं। इतना ज़्यादा अगेंस्ट इनके वोट पड़ा है जिससे यूपी में आधी सीटों पर इनको हार का सामना करना पड़ा है। यूपी, महाराष्ट्र और भी बहुत सारी स्टेट्स, पंजाब हो गया, इनमें से मतलब इनको मैक्सिमम सीटें नहीं आई। इसका कारण क्या कह सकते हैं, इनके कुछ अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं, परंतु बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, ठीक है, बड़े बड़े मुद्दों में ये चीज़ें आती हैं कि जैसे अग्निवीर एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, ठीक है, मणिपुर के कांड हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही इनको कुछ कम सीटें मिली क्योंकि आपने देखा होगा राम मंदिर अयोध्या वाली सीट पर भी ये स्ट्रगल करते दिखे हैं भाजपा। तो अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उसने जनता के साथ थोड़ी सी कुछ गड़बड़े करी हैं, तो उसका रिजल्ट वोटिंग डे और रिजल्ट डे वाले दिन देखने को मिलता है। हालांकि भाजपा सरकार बनाएगी। अभी हम आते हैं बैक टू द ट्रैक हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें क्या हुआ था, मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने अपनी सत्ता हासिल करी और बखूबी वायदे किए जिनको पूरा करने का इन्होंने एक रोड मैप बनाया। उन जगहों पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में मार खाई। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको 1500 रुपये प्रति हर महिला को देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस स्टेटमेंट को बदल दिया और कहा कि घर की एक ही महिला को 1500 रुपये मिलेंगे। जब लगा कि स्थिति कुछ असामान्य हो रही है तो इन्होंने फिर से अपना वो जुमला बदला और फिर से कह दिया कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। जब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी तो जनता का भरोसा इन पर से एक वजह से उठा। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में 2 साल होने को हैं और सरकार बनी हुई माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बार गिरते गिरते भी बची है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जब माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्टूडेंट्स के लिए पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी के लिए कहा, वो आज तक नहीं आई। अब अगर हम बात करते हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा था कि इतने बड़े लेवल पर 1 लाख पहली कैबिनेट में नौकरियां हम देंगे, और आपको भी पता होगा, आपने भी कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू सुना होगा, उसका नतीजा क्या होता है, सबसे पहले HPSSC कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद HPRCA गठित किया जाता है और भर्तियां करवाने का एक निश्चय किया जाता है कि हाँ भाई ये HPRCA जो है ये नया संगठन होगा, ये भर्तियां करवाएगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब जैसे HPRCA बना, उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं, वो ऐसा ही सोच रहे कि हमें भर्ती करवा ही नहीं सकते। डेली की डेली खबर आती रही है कि आज ये वाला डिपार्टमेंट भर्ती कराएगा। यूट्यूबर्स वीडियो बनाते जो न्यूज़पेपर में आई कटिंग, पुलिस की भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती इतनी तारीख से शुरू होगी, पुलिस की भर्ती के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, RNP रूल्स जो है वो चेंज हो करके, इस तरह के लगभग से लगभग हर किसी यूट्यूबर ने वीडियोस तो डाली होंगी, बाकायदा हमने भी डाली, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आती थी उस पर वीडियोस बनाना हमारा जो है वो होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छी जानकारी प्रोवाइड हो। उसका मकसद क्या हुआ, इन्होंने फिर से बोला कि हाँ भाई ये डिपार्टमेंट जो है वो भर्ती करवाएगा, ये डिपार्टमेंट जो है वो भर्ती नहीं करवाएगा। अब अगर बात करें पुलिस डिपार्टमेंट को ये ट्रांसफ़र करना पड़ा है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती नहीं करवा सकता इसके, क्योंकि पहले पेपर लीक हुआ था। फिर न्यूज़ आती है, अब HPRCA के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि भर्ती करवा पाए, HPRCA ये जो है रिक्रूटमेंट नहीं करवा रहा, ठीक है। इनका असमंजस खुद में ही नहीं है, पहले इन्होंने HPRCA की स्थापना करने में ही
डेढ़ साल का वक्त लगा दिया, जो कि फास्ट ट्रैक पर होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप चाहते थे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जैसे आपने इलेक्शन से पहले 1500 प्रति महिला को देने का वायदा किया था, स्टूडेंट्स के साथ भी इतना सब कर देते, एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट निकाल देते, बच्चे जिससे पढ़ना शुरू कर देते। विषय क्या रहा, आप लोगों ने उस चीज़ पर ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ही कुछ उस पर कोई प्रोसीडिंग करी। स्टूडेंट्स का गुस्सा आपने देख लिया होगा, चारों की चारों सीटें भाजपा के खेमे में चली गई हैं और चारों की चारों सीटों में ये जनता का रोष है। हमारे करंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजा विक्रमादित्य सिंह भी इसमें हार का सामना उनको करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के झूठे वादों की वजह से हिमाचल की जनता में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था वो दिख गया, और नेशनल लेवल पे जनता का जो फ्रस्ट्रेशन था उसमें बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपकी भर्तियाँ अब कब आएंगी, देखो अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ, दो साल से जब तक सुखविंदर सिंह माननीय सुक्खू जी की सरकार बनी है, इन्होंने न्यूज़पेपर में बहुत सारी कटिंग्स दी हैं कि जिससे अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी। अब इनका क्या है, इन्होंने थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ दी है कि HPRC नहीं कोई और बोर्ड या किसी और एजेंसी या HPPSC को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और RNP रूल्स में फिर से बदलाव होगा। अब देखो जनता तो बेवकूफ़ है नहीं, आप एक चीज़ पे स्टैंड लेते हो नहीं, आप हर चीज़ को चेंज करते जाते हो। एक विद्यार्थी मेंटली परेशान हो रहा है, एक मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप किसी विद्यार्थी को बोलो कि भाई क्या पढ़ाई करी कर आ दूँ कि नहीं, तो बोलेगा वारा पढ़ाई कैसे करूँ, यहाँ पर तो भर्तियों का ये सीन पता नहीं है। हमारे जो मंत्री थे ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री थे, ठीक है, वो किन्नौर से हैं। माननीय मंत्री जी का कहना था, न्यूज़पेपर में उनका कटिंग आया कि पटवारी की भर्तियाँ जो है वो आ रही हैं, तो किसी ने फ़ोन रिकॉर्डिंग करी कि हाँ जी सर कब आ रही हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई 31 से पहले पहले आ जाएंगी, 31 मार्च की बात करी थी। ठीक है, तो अगर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अब भी बहुत देर हो चुकी है। इलेक्शन से पहले पहले न्यूज़पेपरों में कटिंग दी जाती है कि हाँ भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब इन्होंने क्या कहा, अब ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के ज़रिए और रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जो है वो, यानी कि ऐसे ही कि हाँ भाई हिमाचल पुलिस की भर्ती आने वाली है, इस तरह की हलचल जो है वो न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो रिक्रूटमेंट है वो रेडी है, अभी मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट जो है वो रेडी है, और हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट जो पुलिस की है वो रेडी है, वो रेडी टू डिलीवर है। उससे पहले इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड तरीके बताता हूँ, इन्होंने बोल दिया है कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, RNP रूल फिर से बदलेंगे, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसका फिजिकल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है, ठीक है, मई निकल गया, जून भी निकल जाएगा। आपको पता है अभी तक इन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया, आचार संहिता जो है वो हट चुकी है। अभी अगर बात करें हैं तो जुलाई एंड में या अगस्त स्टार्टिंग में, अगस्त फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग में। इसके बाद क्या बात करते हैं, अगर ये फॉर्म लगे उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल जब होगा, फिजिकल टेस्ट जब होगा, ये फॉर्म लगने के लगभग से लगभग 45 से 50 दिन के बाद होगा, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, आप लगा लो अक्टूबर भी गया, ठीक है, अक्टूबर में आप लोगों का क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, अक्टूबर होगा, उसके बाद जब फिजिकल हो जाएंगे, इसके दो महीने के बाद, फिजिकल के बाद इसके रिटर्न टेस्ट की तारीख पड़ेगी। अगर कहे मुताबिक ऐसे ऐसे होता तो ऐसे ही होगा, फिजिकल के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर के एंड में जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं करवाने का प्रावधान लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम जो है ये जनवरी 2025 तक चला जाएगा।
ठीक है, जनवरी 2025 तक ये एग्जाम बड़े आराम से चला जाएगा। और इसकी एज कब से कैलकुलेट होगी, इन्होंने कहा है कि आरएनपी रूल्स भी हम बदलेंगे। अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता अपनी एज कैलकुलेशन ही बदल दी तो बस तो फिर हो गया खत्म। अब अगर देखो आपको पता है इन्होंने एज में बदलाव किए हैं, जैसे 25 कर दी है, 27 कर दी है। ये अगर इस मुताबिक सिस्टम चलता है तो जनवरी तक आपका एग्जाम होने की संभावना है हर एक चीज के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में जो है वो फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद फिजिकल होगा, अक्टूबर तक फिजिकल हो जाएगा, उसके दो महीने बाद या दो से सवा दो महीने के बाद यानी कि जनवरी में आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा अगले साल फरवरी में। मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ इन्होंने कि इनका सिस्टम क्या है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ साथ कौन सी भर्ती जो है वो आ सकती है। चलिए, जैसे हमारे नेगी साहब जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि इस साल जो है वो पटवारी की भर्ती आएगी। तो 2025 की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, अगर इससे पहले पहले आती है तो दिसंबर से पहले नहीं आ सकती, ये मैं बता रहा हूँ, दिसंबर से पहले जो है वो नहीं आ सकती। अब इसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, अगर 2024 में आती है तो दिसंबर से पहले या नहीं आ सकती, दिसंबर तक आ सकती है, दिसंबर से पहले पहले नहीं आ सकती, ये भी मैं आपको बता रहा, क्योंकि HPRC गठन करने में अभी इनको रिक्रूटमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ये क्या पता इसके भी RNP रूल्स बदल दें, पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आने वाली रिक्रूटमेंट और कौन सी हैं, जो HPPSC लेता आपको पता है, और नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट ये आने वाली है, ठीक है। नायब तहसीलदार की बात करता हूँ, ये अभी आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी नायब तहसीलदार की, जुलाई महीने में नायब तहसीलदार की वैकेंसी आ जाएगी भाई, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं बची हुई JBT कमीशन की, JBT कमीशन, तो JBT कमीशन कब आ सकता है, ये आ सकता है अक्टूबर महीने तक, JBT कमीशन अक्टूबर महीने तक आ सकता है। उसके बाद जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है इसके फॉर्म और जो HP पुलिस के फॉर्म ये इकट्ठे ही निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है शायद अगर मैं गलत ना हूँ शायद 21 से लेकर के 29 तक वैकेंसीज थी टोटल पुलिस सब इंस्पेक्टर की, शायद अब और बढ़ गई हो तो ये और बढ़ा के लगाएंगे, जिन बच्चों ने पिछले फॉर्म भरे हैं उतने भी निकलेंगे। अच्छा फिर एक और भर्ती रहती है HRTC की रिक्रूटमेंट फिर से आएगी, और HRTC में आप लगा लो कि फॉर एग्जाम्पल 350-350 ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की पोस्टें निकलने वाली हैं, और वो भी जुलाई और अगस्त तक निकल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा HRTC की डिले हो सकती है तो नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हो सकती है तो नवंबर दिसंबर तक, बराबर से। अगर मैं बात करता हूँ तो इतना डिले हो सकता है अगर इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ करी कि जिससे हमारा सिस्टम ही चेंज हो गया, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अब पता चल चुका होगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में कितना रोष है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है या आप लोगों के कोई सगे संबंधी हैं उन तक वीडियो पहुंचती है तो उनको बता दें कि हिमाचल की जनता ने जवाब दे दिया है और 5 साल के बाद फिर से ये जवाब मिल जाएगा, 5 साल के बाद नहीं 3 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से ये जवाब मिल जाएगा। और रही बात इस चीज़ की, अगर वैकेंसीज नहीं निकली तो सबसे बड़ा रोष इसी चीज़ का निकला है भाई साहब, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर जनता खुश होती तो मंडी की सीट आप जीतते, ठीक है, मंडी की सीट जो है राजा विक्रमादित्य सिंह जी को कौन हरा सकता था, राजा विक्रमादित्य सिंह जी को आपकी बनाई हुई नीतियों ने हराया, और ये दिन आज आपको देखना पड़ा है, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा बोला होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, इस तरीक को आइएगा, और आप सभी अगर डेली फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो डेली पहुंच जाइएगा 7:30 बजे शाम को इसी YouTube चैनल खजूरिया पाठशाला में। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, और मज़े करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।